स्वर्ग पिता के नाम और यीशु मसीह के नाम और पवित्र आत्मा के नाम से आमिन पवित्र आत्मा मेरे को बल दे आपका प्रवचन करने को और सब शब्द आपके शब्द कर आमिन स्वर्ग पिता मेरे को बल दे आपका प्रचार करने को आमिन पवित्र आत्मा जो लोग ये प्रवचन दूसरों को आगे भेजते और वायरल करते उनको हमेशा भेजने के लिए बल दे और इनको सब चंगाई कर और इनको कोविड बीमारी से बचा कर रख आमीन आज तारीख है सात फ़रवरी की साल है 2021 में मान रहा हूँ समझ रहा हूँ परमेश्वर का जैसा जो लोग पवित्र हो गए वो मासी का काम सिख जैसा कर रहे हैं हमें माति पांच बीस इसलिए यदि तुम अपनी भेंट वेदी पर लाया और वहां तुम स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है तो अपनी बेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाए कर मेल मिलापन कर तब आकर अपनी बेंट चढ़ा पच्चीस जब तक तू अपने मुई के साथ मार्ग ही में है उससे झटपट मेल मिलाप कर ले कहीं ऐसा ना हो कि मुई तुझे हकीम को सौंपे और हकीम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू ग्राह में डाल दिया जाए यीशु मसीह हमको हमारा जीवन कैसा जीने का और प्रार्थना कैसा करने का ये हमको अभी सिखा रहा इधर तेबिस में बोल रहा कि अगर तुम प्रार्थना करने को चर्च में आए और घर से भी तुम प्रार्थना यशु मसीह को कर रहा है तो यशु मसीह बोल रहा कि ये तुम्हारी बेंट प्रार्थना की बेंट जो आप दे रहे हैं वो उधर ही छोड़ दे मत कर जब भी तेरे को जिंदगी में किसी से नाराजगी है और कोई तेरे को सता रहा है ये सब तुम पहला खत्म वो लोगों से तुम मेरे जैसा प्यार कर उनको बख्श दे और तभी आकर अपनी बेंट चढ़ा ये सब करने के बाद भले तो पवित्र होने के बाद आपने सबको बख्श दिया बोले तो आप यशु का जैसा हो गया बोले तो सबसे प्यार करने लगा यशु का जैसा प्यार परमेश्वर का प्यार तो हमको ये लाजिम करना ही पड़ेगा इसलिए ये हम नहीं करते करके हमारी प्रार्थना स्वर्ग पिता को पहुंचती नहीं इसी इसलिए यशुम मसीह हमको बोला कुछ फायदा नहीं बेंट आपकी वेदी के सामने छोड़ दे तू प्रार्थना मत कर बंद कर तेरी प्रार्थना कुछ फायदे का नहीं छोड़ दे तू तुम लोग बुराई में सबको धमका रहे सबका प्रॉपर्टी की चोरी कर रहे प्रार्थना करने का छोड़ दे मत कर चर्च में माता मेल मेल मिलाप करा तब आकर अपने बैठ चढ़ा पहला पवित्र हो जा बोलता यीशु मसीह तभी तुम आकर तुम्हारा और तुम्हारा जिंदगी प्रार्थना कर कर जिंदगी भर प्रार्थना कर पवित्र होने के बाद और सब चंगाइयां ले ले पूरा जीवन आपका चंगा हो जाएगा कभी जब भी आप लोग दूसरों को बख्शते हैं माफ करते हैं नाराजगी दूर करते हैं सबसे मिलजुल कर यशु मसीह का प्यार में रहते हैं सबको आदर करते हैं पवित्र होने को उनकी समस्या दूर करने को तभी यशु मसीह बोला कि अभी तुम भेंट चढ़ा अभी आपकी प्रार्थना सुनी जाएंगे तरीका बहुत आसान है लेकिन शैतान ने हमारा मन बहुत कठोर किया बहुत हमको शैतानी की सोच में डाला गंदी सोच में डाला चोरी के सोच में डाला दूसरों का नाश करने का सोच में हमको शैतान रोज डाल रहा है हमारे मन में सोच में पच्चीस पच्चीस में यशु से बोल रहा है कि अगर किसी से कुछ मसला है तो तुम उधर ही निपटा दे कचहरी में मत जा अगर तुम नहीं मिटाएगा तुम कचहरी में जाएगा तो बोलता है तेरे को सजा होएगी, और तेरे को सजा भुगतनी पड़ेगी तो आपका 26 में क्या बोला मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी चूटने ना पाएगा चौबीस मैं तुमसे सच कह, कहता हूं कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी बर न दे, कोड़ी, कोड़ी दे तब तक वहां से चुटने ना पाएगा तो ये पच्चीस और छब्बीस अभी जो हमने सिखाए चौबीस और 23 में वो एक ही है बोले तो किसी से भी कुछ भी बुराई है वो सब तुम निपटा दे पहला नहीं तो सब बुराई तेरे को होगा सब बीमारियां घर में सब इंसान को लग जाएगी नौकरी में कमाई में दक्कल आएगी और चौबीस में क्या बोला कि तू कोड़ी कोड़ी बर ना दे तब तक वहां से चूटने ना पाएगा कोड़ी कोड़ी बोले तो क्या पूरा हिसाब किताब बराबर कर ले बोले तो पवित्र होने का जब तक तुम तो पवित्र ना हो जाएगा वहां से टने न पाएगा बीमारी तेरे से नहीं निकल जाएगी बिकारी पण तुम्हारे से हटेगा नहीं कोई कितना भी मदद करे वापस से तेरे को लाचारी लग जाएगी और तुम ये शराब और दूसरा खेल और दूसरों का लालच में पड़ जाएगा और तुम्हारा सत्यानाश होएगा तू छूट न पाएगा तो कोई भी वो इंसान हो जाए बच्चे हैं और बूढ़े लोग भी हैं कोई भी है सबको ये एक ही तरीका है और एक ही सोच समझ एक हीच है और दूसरी दूसरी सोच समझ नहीं है किसी को सब इंसान को एक ही सोच और समझ यशु मसीह हमको दे रहा है कि वहां से चुटने ना पाएगा तुम कहां भी जाओ संतों के पास जाओ मरियाम के पास जाओ क्रूज के पास जाओ किधर भी जाके तुम तो प्रार्थना कर तेरा सिर फोड़ कुछ भी कर यीशु मसीह बोल रहा वहां से छूटने ना पाएगा जो मसला समस्या बुरी आदतें बुरी चीजें जो तुम्हारा जिंदगी में आई है और तुम्हारे परिवार के जिंदगी में आई है वो कभी नहीं छूटेंगी बोले तो सब पागल कुत्ते की मौत मरेंगे और जल्दी मरेंगे लंबा आयिश नहीं मिलेगा और सब नरक में जाएंगे सही सही इसका जवाब है तो कोई कैथलिक को अच्छी जिंदगी चंगी जिंदगी जीने का है तो सब मसला खत्म करके माफी मांग के दूसरों को बख्श के सबसे यीशु मसीह के जैसे प्यार में जीने का और उसके बोलता है उसको बोलता है पवित्र होने का और तभी आप लोग यीशु मसीह का जैसा यीशु मसीह के चेलें के जैसे और सांतों का जैसा मरियम का जैसा और मेरे जैसा आप लोग बन पाएंगे और कर पाएंगे सत्तावीस तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि ये विचार न करना परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुट्टी डाले व अपने मन में उससे वे विचार कर चुका यशु मसी हमको इधर बोल रहा कि अभी हमको इधर समझा रहा यशु मसीह एक आदमी की तरफ से और ये औरतों को भी एक ही बात है आदमी के जगह पे औरत को रखो एक ही हिसाब है अभी यशु मसीहम हमको आदमी को लेके ये समझा रहा तुम औरत को लेके भी समझा सकते है ये बात अभी आदमी हमको क्या अभी यशु मसीह हमको क्या बोल रहा कि एक आदमी हर इंसान ये विचार ना करना ये विचार ना करना बोले तो इन आदमी पकड़े तो उसने कोई भी औरत के साथ उससे संबंध बुरा संबंध नहीं जोड़ने का ये इधर हमको यीशु मसीह बोल रहा और अट्ठाबीस में क्या बोल रहा कि अगर हमने कोई स्त्री को आदमी ने कोई स्त्री को बुरी नजर से देखा तो आपने गलती किया पाप किया सिर्फ देखने से स्त्री को बुरी नजर से अगर आप बहन के जैसे नहीं देखता मां के जैसे नहीं देखते और बुरी नजर से दूसरों को देखते हैं और दूसरे औरतों को देखते हैं तो बोलता है पाप किया अभी आदमी की जगह स्त्री को रखो और स्त्री को यह बात समझा लो कि कोई मर्द को बुरी नजर से देखेगा भाई, भाई की नजर से नहीं और बाप की नजर से नहीं बुरी नजर से देखेगा तो ये पाप है तो ये मसीह क्या बोल रहा कि सिर्फ एक गलती और एक बड़ा पाप रेप करने से ही इंसान बुरा नहीं बनता है हम सिर्फ रेप करने लोगों को दोषी मानते हैं, उनको जेल में भेजते हैं, लेकिन यशु मसीह क्या बोल रहा कि बुरी नजर से आप दूसरों को देखे तो आपने वो इस गलती कर लिया जो हमको परमेश्वर ने दिया था मूसा को दिया था दस चीजें अध्याय मत कर करके तो वो आपने थोड़ दिया ऐसा यशु मसी बोल रहा तो ये सीधी सीधी बात होती है कि अगर हमें गौर से देखेंगे 27 और अट्ठाबीस देखेंगे इनको परखेंगे और समझेंगे तो क्या बोलता है कि एक आदमी सिर्फ एक औरत से शादी कर सकता है अगर एक औरत से ज्यादा शादी करेगा तो उसने पाप किया सीधा है इधर आपकी पत्नी के बगैर और पत्नी होकर भी आपने दूसरों को बुरी नजर से देखा तो पाप किया तो इधर एक ही शादी हमको नजर आती है और जभी परमेश्वर ने जभी पहली स्त्री पैदा की तभी एक की आदम के लिए एक किया नहीं तो पांच छह करके छोड़ सकता था परमेश्वर से कुछ होता नहीं ऐसी कुछ भी चीज नहीं है तो इधर यशु बोल रहा कि अगर एक से बढ़कर तुम दूसरी को और आगे दूसरों को दूसरी स्त्रियों को तो देखेगा बुरी नजर से और दूसरी शादी करेगा और तीसरी करेगा और कुछ कितना भी करेगा वो उसने पाप किया बोले तो वो परमेश्वर से अलग हो गया उससे और परमेश्वर से कुछ भी रिश्ता नहीं है उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं आ सकता वो और उसके पूरा परिवार जितने भी स्त्रियों से इसने शादी किया सबका सत्यानाश वाट लग गया क्योंकि अगर तेरे को मर्द फंसा रहा है तो स्त्री को भी मालूम पड़ना चाहिए औरत को भी मालूम मालूम पड़ना चाहिए कि परमेश्वर ने हमको रचा है सिर्फ एक आदमी के लिए एक आदमी से शादी करने के लिए लेकिन जो आदमी मेरे को बोल रहा शादी करने के लिए वो शादीशुदा है तो मैं इससे शादी नहीं कर सकती अगर ये औरत ने भी ये मर्द से शादी किया जिसको और औरतें हैं उसने गलती किया पाप किया उस परमेश्वर से परमेश्वर के ए प्रचार से उसने पाप किया और ये औरत भी वही पाप में शामिल हो गई और उनका पूरा खानदान का सत्यानाश हो जाएगा सीधा सीधा लिखा है इधर तो और कोई आपको बोल रहा है कि ये सिर्फ बाइबल में लिखा है इसका कुछ अर्थ नहीं है करके बोला तो वो इंसान का सत्यानाश हो गया इसलिए हमको पवित्र होने का होने का बहुत जरूरी है हर स्त्री को हर औरत को और हर मर्द को पवित्र होने का बहुत जरूरी है ताकि हम लोग समझ जाए जाए कि पाप क्या है और सच क्या है अगर हम पवित्र नहीं बनेंगे हम यशु के चले नहीं बनेंगे तो हम लोग एक पागल कुत्ते की जिंदगी जिएंगे, सबको काटेंगे जो हमारे घर में परिवार में बीवी बच्चे सबको काटेंगे पागल कुत्ते कुत्ता घर वालों को भी काटता है तो ये पागल कुत्ते का उदाहरण बहुत अच्छा है पागल कुत्ते का जिंदगी जिएगा जो लोग पवित्र कैथलिक नहीं बनते वो और उसको पाप क्या है और सच क्या है उसको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा क्योंकि ये शैतान की जिंदगी जी रहे हैं एक उन्तीस यदि तेरी दाइनी आंख तुझे कर खिलाए तो उसे निकालकर अपने पास से फेंक दे क्योंकि तेरे लिए यही बला है कि तेरे आगों में से तेरे आंगों में से एक नश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए एक उदाहरण यु मसीह को दे रहा कि अगर ये गलती तेरे से हुई है बोले तो तुमने एक से ज्यादा औरतों से शादी की हुई है और किया वह कर रहा है तो यशुमा से बोल रहा कि तुम ये आंख तुम्हारा निकाल कर फेंक दे एक आंख निकालकर फेंक दे क्योंकि एक ही आंख से आप स्वर्ग में जाएगा तो अच्छी बात है अगर शायद दोनों आंख रहेगा रहेगा तो आप नरक में जाएगा बोले तो तुम्हारी बुराइयां ही तुम बंद कर ले काट के फेंक दे बोले तो ये जो तुम गंदी चीजें जो तो कर रही है और कर रहा है एक शादीशुदा मर्द से तुम शादी करने को जा रही है औरत और स्त्री ही तुम रुक जाओ बोलती बोलता है यशु मसीह तुम आगे जाके शादी मत करो बोल रहा अगर शादी करेगा तो तुम फंस जाएंगे और पागल कुत्ते की जिंदगी जिएंगे और मरेंगे और नरक में जाएंगे तो हमारा हर बच्चा जब पैदा होता है उसके कान में डालने का है कि आपके जिंदगी का ये मसीह परमेश्वर है आपको बचाने वाला है आपको सब चंगाई देने वाला है करके बच्चे के कान में हम लोग कैथोलिक लोग बोलना मांगता और हर माता पिता बच्चा पैदा होने से पहले ही पवित्र हो जाने के लिए मेरी चेतावनी है अगर तुम बच्चा पैदा होने से पहले पवित्र ना हो जाए ना होएंगे तो तुम्हारा बच्चा बहुत संकट में पड़ जाएगा और वो जब ये बड़ा हो रहा है उसको बहुत मुश्किलें हो जाएंगी उसकी सोच समझ में और उनको बापतिजमा देने के बाद भी उसके अंदर से पवित्र आत्मा तुरंत निकल जाएगा क्योंकि आप लोगों का व्यवहार सही नहीं है और जो पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा बुरा लोगों के साथ नहीं जी सकता बुरे माँ बापों के साथ पवित्र आत्मा बच्चे के अंदर नहीं रह सकता क्योंकि बच्चा जो सुनता है देखता है सुनता है वो सब अंदर बच्चे का मन में चल रहा है और ये बुरे चीजें सुनकर पवित्र आत्मा को निकल के जाना पड़ता है तो बच्चे को सिर्फ अः स्नान देने से ही नहीं होता है कुछ माता पिता पहला पवित्र होना मांगता और बच्चे को पवित्र होकर बड़ा करना मांगता पवित्र बच्चा बनाकर बड़ा करना पड़ेगा नहीं तो बच्चे की भी जिंदगी पागल कुत्ते की जैसी होगी वो भी सबको काटना लगेगा रोना लगेगा सताना लगेगा स्कूल में छोटा पेंसिल पेन का बुकों का चो, चोरी करना लगेगा सब पागल कुत्ते की है। ये, पागल कुत्ते का ही जीवन है तो हमको कैथोलिक को और कोई रास्ता नहीं है कैथोलिक बनकर कुछ एक पैसे का भी फायदा नहीं है सिर्फ पवित्र कैथोलिक होएगा तभी सब चंगा आपका जीवन में हो जाएगा सीधी सीधी बातें इधर बंद करेंगे कल यहां से हम आगे बढ़ेंगे शुक्रिया पवित्र आत्मा शुक्रिया ये मसीह शुक्रिया पिता अभी प्रार्थना करेंगे स्वर्ग के पिता के नाम से और यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से अमीन स्वर्ग पिता मैं आपका प्यारा पुत्र यशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं ये जो इंसान यूट्यूब लाइव पर है और उनका पूरा परिवार और आ, सब आ, जो लोग अभी सुनेंगे उनको सबको चंगा कर सबकी बीमारियां टिक कर और आ, आ, सब आ, मुश्किल से इनको बाहर निकाल और कोविड पीड़ा कोविड बीमारी से इनको सबको बचा कर रख और इनके घर में सब का नौकरी सही सलामत रख और इनके इनका पगार बढ़ा और इनका पोस्ट बढ़ा और जो कोई इंसान नया काम ढूंढ रहा है और अभी बेकार है कोविड बीमारी की वजह से उनको सब अच्छा बड़ी कंपनी में काम दिलवा दो अच्छा बड़ा पगार का और सब का सपने पूरे कर और एक अच्छी जिंदगी पवित्र जिंदगी इनको जीने के लिए और पवित्र बनने के लिए आपका प्यार उनके साथ रख आपका कृपया इनके साथ रख ताकि ये सब पवित्र बन जाए और यीशु मसीह का काम आगे बढ़ाए आमीन